भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में वनडे मैच होना है, उसके पहले अभी अभी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब दिया है। खासकर टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं लगातार जारी हैं कि भाई वर्ल्ड कप में हमारी कौन सी टीम खेलने वाली है। जिस वर्ल्ड कप टीम का ऐलान किया गया है वो वर्ल्ड कप टीम खेलेगी या वर्ल्ड कप की टीम में कुछ बदलाव होंगे। मसलन जो सबसे बड़ा नाम है वो रविचंद्रन अश्विन का है, क्या रविचंद्रन अश्विन को टीम इंडिया की जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें जगह दी जाएगी। ये कई सारे सवाल जिसके रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए हैं। एक एक करके आपको बताता हूं कि क्या मुख्य बातें थी जिस पर रोहित शर्मा ने आज खुलकर बात की है। पहले दो वनडे में नहीं खेले थे रोहित शर्मा, तीसरे वनडे में बतौर कप्तान टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा वापस आए हैं। इसके पहले दो मैच में केएल राहुल ने कप्तानी की, दोनों मैच टीम इंडिया जीती और सीरीज टीम इंडिया अपने नाम कर चुकी है। तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़े हैं बतौर कप्तान, विराट कोहली टीम के साथ है। आपके पास कुलदीप यादव भी टीम में आ चुके हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जो टीम इंडिया में शामिल नहीं हुए हैं वो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या अपने निजी पारिवारिक कारणों के चलते नहीं जुड़े हैं, वो सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड में टीम में शामिल होंगे उपकप्तान के तौर पर। इस मुकाबले में जो उपकप्तान होंगे वो केएल राहुल ही होंगे, उनको जिम्मेदारी वाइस कैप्टेंसी की दी जाएगी। पर्सनल रीजंस बताया गया, जिस रीजंस के चलते भाई इस बार हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के साथ नहीं, वो अपने घर पर हैं, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा है। दूसरी जो बड़ी अपडेट रोहित शर्मा ने दी है कि भाई कल जो मुकाबला होगा जिसमें टीम इंडिया सिर्फ 13 प्लेयरों के साथ खेलेगी। जी हाँ, सिर्फ 13 प्लेयर टीम के पास होंगे। उनका कहना है कि भाई टीम में कुछ वायरल चल रहा है जिसके चलते कई खिलाड़ी बीमार भी हैं, हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। मसलन जो खिलाड़ी हैं जिनको इस मुकाबले में नहीं खिलाया जाएगा, टीम इंडिया ने जिनको इस मुकाबले के लिए नहीं चुना है, उसमें सबसे पहला नाम शुभमन गिल का है, उनको रेस्ट दिया गया है, वो अब टीम के साथ सीधा गुवाहाटी में जुड़ेंगे। शुभमन गिल अब टीम के साथ नहीं है। हार्दिक पांड्या, जैसा मैंने बताया कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे। शार्दुल ठाकुर को भी आराम दिया गया है, शार्दुल ठाकुर भी इस मुकाबले में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको लेकर चर्चा थी कि भाई क्या खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन क्लियर कर दिया है। साथ ही मोहम्मद शमी भी वो नाम है जो इस मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी हमारे पास इसके पहले जसप्रीत बुमराह जो मैच में नहीं खेले थे, जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे, मोहम्मद शमी तीसरा जो मुकाबला है वहां पर आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। साथ ही रोहित शर्मा ने कहा है कि जो आखिरी 10 वनडे हैं उससे वो काफी खुश हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है, चाहे एशिया कप हो या फिर हमने जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली है, उससे हमारी तैयारियों को काफी ज्यादा जोर मिला है। हम पूरी तरीके से वर्ल्ड कप के लिए वेल सेटल्ड नजर आ रहे हैं, हमारी तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, आपने T20 ज्यादा खेला है, आपने वनडे क्रिकेट कम खेला है, रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि भाई पिछले हम 1.5 महीने से कर क्या रहे हैं, हम लगातार वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं, हमने पूरा एशिया कप खेला है, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 3 वनडे मैचों की सीरीज रखी जिसमें 2 मैच हो चुके हैं, कल राजकोट में तीसरा मुकाबला खेला जाना है। तो यानी रोहित शर्मा पूरी तरीके से मेंटली फिट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हम वेल सेटल्ड है हमारी टीम, हमने पूरी तरीके से अब तक अच्छा परफॉर्म किया है, जो कॉम्बिनेशन हम ढूंढ रहे थे वो कॉम्बिनेशन टीम इंडिया को मिल गया है। रविचंद्रन अश्विन पर उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि भाई अश्विन को क्या आप वर्ल्ड कप खिलाएंगे, इस पर रविचंद्रन अश्विन की काफी तारीफ की रोहित शर्मा ने, इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। कहा है कि भाई काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के लिए, काफी उनके पास अनुभव है। ऐसा है कि उन्होंने काफी वनडे क्रिकेट काफी कम खेला है पिछले काफी वक्त में, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो क्लास है, उनका जो कैलिवर है, हम सब जानते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं रोहित शर्मा, ये हमें मालूम है। रविचंद्रन अश्विन ने बार बार अश्विन की तारीफ की है उन्होंने। साथ ही जब ये पूछा गया क्या आप अश्विन को वर्ल्ड कप में खिलाएंगे, रोहित शर्मा ने साफ कह दिया कि भाई 28 तारीख तक का समय है हमारे पास ये डिसाइड करने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि जो वर्ल्ड कप टीम अनाउंस हुई है वही वर्ल्ड कप टीम आपको खेलने को मिले, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है, जिसमें से अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड हुए थे, अक्षर पटेल को लेकर चर्चा थी कि भाई क्या वो फिट हो पाएंगे, इसको भी लेकर भी कोई सीधा साफ सपाट जवाब रोहित शर्मा ने नहीं दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई देखते हैं 28 तारीख को क्या होता है, फिलहाल अभी उनके पास समय है। तो उन्होंने साफ बता दिया कि भाई रविचंद्रन अश्विन अच्छे खिलाड़ी हैं, काफी तारीफ कर दी है, संकेत मिल चुके हैं, हो सकता है रविचंद्रन अश्विन आपको वर्ल्ड कप टीम में नजर आए अगर अक्षर पटेल तब तक फिट होकर टीम के साथ नहीं जुड़ पाते। इसके अलावा जो खिलाड़ी पर बात की उन्होंने विराट कोहली की बात की है, विराट कोहली टीम के साथ वापस जुड़ चुके हैं, कुछ ही देर पहले ही राजकोट वो पहुंचे हैं, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। वहां पर रैंकिंग को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि भाई आप रैंकिंग में तीनों ही फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुके हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, रोहित शर्मा ने साफ कह दिया कि भाई रैंकिंग डजंट मैटर, रैंकिंग इतना मैटर नहीं करती, हमारा प्रेजेंट फॉर्म, हम किस दिन कैसा खेलते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो मैटर करता है। रैंकिंग उन्होंने कहा कि जरूर आपके माइंड में होती है, लेकिन आपका ऑन डे कैसे आप खेलते हैं, उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग आने वाले मैच में क्या होने वाली है।
गेम प्लान को लेकर पूछा गया कि आपकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, जब रोहित शर्मा टीम में आएंगे, विराट कोहली टीम में आएंगे, कौन से दो बल्लेबाज बाहर जाएंगे इनको जगह देने के लिए। इस पर उन्होंने कहा कि भाई मैं गेम प्लान गेम के दिन ही सोचता हूँ, अभी एक दिन पहले मैं सोच भी नहीं सकता और कल ही डिसाइड करूंगा कि गेम प्लान क्या होने वाला है। राजकोट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने कौन सी 11 खेलेगी इसको लेकर भी साफ उन्होंने अभी नहीं किया है, बस ये खाली बता दिया कि हमारे पास 13 खिलाड़ी हैं, 13 खिलाड़ियों में से हमें 11 खिलाड़ी चुनने होंगे, बाकी खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, टीम इंडिया के साथ वो नहीं है। साथ ही रोहित शर्मा ने कहा है कि भाई पिछला जो एक महीना रहा है उसमें हमने खुद को चैलेंज किया है, हमने खुद को ऐसी कंडीशन में डाला है जिन कंडीशंस में टीम मुश्किल में थी, वहां से हमने गेम को निकाला है, वहां से हमने मैचेस जीते हैं। तो रोहित शर्मा ने ये साफ कह दिया कि भाई जो टफ कंडीशंस वर्ल्ड कप में आने वाली थी उसके लिए टीम इंडिया तैयार है, टीम इंडिया ने काफी हद तक तैयारी कर ली है, हमने फर्स्ट बैटिंग करते हुए चेस करते हुए दोनों तरीके से खुद को परख लिया है, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो स्पिन डिपार्टमेंट हो दोनों में पूरी तरीके से टीम इंडिया काफी हद तक तैयार है, ऐसा रोहित शर्मा का मानना है। अश्विन को लेकर जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई अश्विन को लेकर ये साफ कह दिया है रोहित शर्मा ने कि भाई रविचंद्रन अश्विन अच्छे गेंदबाज जरूर हैं लेकिन उन पर क्या होगा इसका फैसला 28 तारीख को होगा। इस पर रोहित शर्मा ने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है लेकिन उनकी जिस तरीके से तारीफ की है उनके संकेतों को अगर समझा जाए तो रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड कप की टीम में लगभग लगभग दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने साफ किया कि भाई अश्विन अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको हम टीम में रखेंगे नहीं रखेंगे ये अभी उन्होंने कहा हम रिवील नहीं करेंगे, 28 तारीख का जो वक्त है 28 तारीख को देखते हैं कि क्या होता है। साथ ही जो खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं जो आपको कल खेलते हुए राजकोट में नजर नहीं आएंगे, शानदार पारी इंदौर में खेली थी, शानदार शतक शुभमन गिल के बल्ले से निकला था लेकिन इस मैच में उन्हें आराम दिया गया है, वो नहीं खेलेंगे। हार्दिक पंड्या टीम के साथ जुड़ने वाले थे लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों के चलते वो टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, हार्दिक पंड्या फिर से एक बार आपको इस मैच में नजर नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे, जो कप्तान की जिम्मेदारी होगी वो केएल राहुल ही निभाएंगे। मोहम्मद शमी भी इस मैच में नहीं होंगे, उनको भी ब्रेक दिया गया है। रोहित शर्मा ने कहा कि टीम में एक अजीब सा वायरल चल रहा है जिसके चलते हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम जिन भी खिलाड़ियों को हल्के से भी सिम्टम नजर आ रहे हैं उनको ब्रेक दिया गया है। साथ ही शार्दुल ठाकुर भी वो खिलाड़ी हैं जिनको टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई है, इस मुकाबले में उनको आराम दिया गया है। इसके अलावा जो खिलाड़ी बचते हैं उनमें से प्लेइंग 11 चुनी जाएगी, उसमें रोहित शर्मा होंगे, उसमें विराट कोहली होंगे, ये उन्होंने साफ कह दिया है। कुलदीप यादव भी एक खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़े हैं, इन खिलाड़ियों में से आपको अपनी जो अंतिम 11 है वो चुननी होगी। 2-0 से भारत आगे इस सीरीज में, कल अंतिम मुकाबला है, अगर ये टीम ये मुकाबला भी जीत जाती है तो 3-0 से व्हाइट वॉश हो जाएगा। इसको लेकर भी रोहित शर्मा से पूछा गया क्या आप व्हाइट वॉश के इरादे से उतरेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम जीतने के लिए खेलेंगे, हम चाहते हैं कि हम जीतें ये मुकाबला, व्हाइट वॉश वगैरह उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड्स की चीज होती है ये हम नहीं चाहेंगे, लेकिन जो हर फैन है वो चाहेगा, हर इंडियन फैन चाहेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया से पहली बार वनडे क्रिकेट में व्हाइट वॉश हो। जी आप तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आप खेले हो और आपने उनका व्हाइट वॉश किया हो, कल अगर राजकोट में टीम इंडिया जीतती है तो ये रिकॉर्ड भी अपने नाम बन जाएगा। तीनों फॉर्मेट में नंबर वन है, टेस्ट वनडे T20 टीम इंडिया इस वक्त नंबर वन है, और अगर ऑस्ट्रेलिया को हराकर व्हाइट वॉश करके आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो आपका मनोबल जरूर आगे होगा, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली तैयार होंगे, ये रोहित शर्मा का कहना है। आज काफी अच्छे मूड में भी नजर आए रोहित शर्मा, काफी फ्रेश लग रहे थे, दो दिन के जो दो मैचों का जो ब्रेक था उन्होंने कहा कि मैंने उस ब्रेक में काफी ज्यादा मैच देखे हैं, उन मैचों में मैंने बहुत सारी चीजें नोट की हैं, कई ऐसे फैक्टर हैं जिन पर अभी भी काम करना जरूरी है। तो रोहित शर्मा पूरी तरीके से फ्रेश नजर आए हैं, पूरी तरीके से तैयार थे ऐसा लगा इस मुकाबले के लिए, कल उनको खेलते हुए देखना अपने आप में वाकई रोचक होगा, क्योंकि दो मैचों के ब्रेक के बाद रोहित शर्मा आएंगे, शुभमन गिल नहीं होंगे तो ओपनिंग की जो जिम्मेदारी है वो ऋतुराज गायकवाड़ करते हुए नजर आ सकते हैं आपको, या फिर ईशान किशन और रोहित शर्मा इस मुकाबले में आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, देखना होगा क्या कॉम्बिनेशन लेकर उतरते हैं रोहित शर्मा। फिलहाल तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें थी ये हमने आपको बताई हैं, आपका जो सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। विराट कोहली को लेकर जो अपडेट है कि विराट कोहली राजकोट पहुंच गए हैं, थोड़ी देर पहले ही वो राजकोट में उन्होंने होटल में चेक इन किया है, रोहित शर्मा भी आज दिन में आ चुके थे, शाम को 6:30 बजे से टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन होना है जिसको आप स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकते हैं, वो प्रैक्टिस सेशन लगातार दिखाया जाएगा। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें होनी थी, रोहित शर्मा ने बड़ी बड़ी बातें कह दी है, बता दिया है भाई कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारा जो टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया को कल भी हराना है, उसके बाद शुरू होगी वर्ल्ड कप की जो कैंपेन है इंडिया का, 8 तारीख को चेन्नई में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही होना है, उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप का कैंपेन शुरू हो जाएगा। ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं। इनके अलावा भारतीय टीम तैयार है खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना तीसरा मुकाबला राजकोट में, तो तीसरा मुकाबला राजकोट से देखना होगा, भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर व्हाइट वॉश कर पाती है या फिर ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जो सम्मान की लड़ाई है इस मुकाबले को जीतकर फाइनली अपने एक जीत के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी।